जो तो चीनी हम दरामद कर रहे हैं, यह मसला समझने वाली बात है, एक मिनट लूँगा, जो चीनी हम दरामद कर रहे हैं उस चीनी को तो हम इन्फोर्स कर सकते हैं कि वो 90 रुपये किलो के हिसाब से बिके। ये बात आपकी ठीक है कि पूरे बाज़ार में प्राइस नीचे आ रही है, ये आपने भी देखा होगा, 110 पे थी, 105-6 पे है, 100 पे भी आई है, और 90 की जो हमारी वाली चीनी 90 की बिक रही है। अब सवाल ये है कि सारी की सारी चीनी 90 रुपये की क्यों नहीं बिक रही। उसकी वजह यह है कि हुकूमत के पास एक इख्तियार था शुगर सप्लाई चेन कंट्रोल ऑर्डर के अंडर, जिस पे जो शुगर मिलों का स्टॉक था वो हुकूमत के जो अहलकार हैं वो पिक कर सकते थे एक प्रिस्क्राइब प्राइस पे और उसको बेच सकते थे। वो केस अदालत में है, उस पे स्टे हुआ हुआ है। हम लीगली शुगर मिलों को रोक नहीं सकते, इन्फोर्स नहीं कर सकते कि उनका जो स्टॉक है वो बड़ी कीमत पे ना जाए। जब उस केस का फैसला होगा तो वो जो एक आस्पेक्ट है वो भी एड्रेस हो जाएगा। लेकिन ये शुगर की सप्लाई जैसे जैसे हम लिफ्ट कर रहे हैं, जाहिर है कि सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस का प्रेशर नीचे आता है। अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे ये प्राइस का सफ़र अब नीचे को ही जा रहा है, ये इंशाल्लाह ऊपर नहीं जाने लगा। हमें जो है ना अब शोबदाबाजी से और नुमाइशी गवर्नेंस से हमें निकलना है। क्या मतलब है नुमाइशी गवर्नेंस का? कि आप 27 किलोमीटर के अंदर 27 किलोमीटर के रेजिडेंट्स के लिए एक ऑरेंज लाइन का मंसूबा देते हैं, आप कहते हैं 150 अरब रुपया हम इस पर ख़र्च करेंगे, लगता 300 अरब है, फ़ायदा उठाने वाले कौन हैं? आप कहते हैं 2.5 लाख कम्यूटर्स, आज तो 70,000 कम्यूटर भी नहीं उसके ऊपर बैठ रहा। 70,000 लोगों के लिए आपने हुकूमत पंजाब का 300 अरब रुपया धुएँ में उड़ा दिया। क्यों? ताकि आप दुनिया को दिखाएँ कि देखें ये पंजाब की डेवलपमेंट है। आप उनको जाके दिखाते ज़रा भक्कर के सिटीजन्स, आप उनको लिए के लोग दिखाते, आप उनको डीजी खान के लोग दिखाते। ये वो लोग हैं जो लाहौर आके इस ट्रेन को देख तो सकते हैं लेकिन इस ट्रेन से उनका लेना देना कुछ नहीं।